विगत कुछ दिनों से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे थे या 10% के आसपास का जो पॉजिटिविटी रेट था, इसे देखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार कंटेनमेंट एरिया बनाने का प्लान किया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरा वर्क किया है और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विगत कुछ दिनों में तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उन्हें हमने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। कल 2 क्षेत्रों को हम लोग कंटेनमेंट एरिया बना चुके थे, एक खातीवाला टैंक जिसमें सिंधी कॉलोनी के सामने वाला हिस्सा था और दूसरा साउथ तुकोगंज जो कि TI के पीछे वाला हिस्सा था। इन दोनों के बाद आज पुनः 3 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है। एक ऊषा नगर एक्सटेंशन है, दूसरा जावरा कंपाउंड है और तीसरा रेसकोर्स रोड है। वर्तमान में अगर इंदौर की बेड कैपेसिटी को हम देखें तो इंदौर के पास 7395 की टोटल संख्या है विभिन्न अस्पतालों में, और जिसके लिए डेडिकेटेडली 3550 बेड सिर्फ कोविड के लिए हम लोगों ने दे रखे हैं। श्रीमान जिलाधीश महोदय ने 25 तारीख को एक बैठक रखी थी जिसमें हमने सारे अस्पतालों को निमंत्रित किया था। उस चर्चा के बाद करीब 4726 का नया आंकड़ा होगा जो हम बेड बढ़ाएंगे, लगभग 1190 बेड बढ़ने की बात हुई है। और कलेक्टर साहब ने बोला है जो भी सक्षम अस्पताल हैं वो CCC मतलब कोविड केयर सेंटर के नाम से किसी होटल को भी लें जिसमें करीब 150 जितनी उनकी क्षमता हो उतने बेड हो, वहाँ पे भी नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ देकर संख्या बढ़ाएं, तो इससे करीब 5613 बेड हम बढ़ा पाएंगे।